वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग की सुबह हो गई है और पार्थ भी उठ चुका है। इधर देखो आप लोग। हाय बोलो पार्थ, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। और उधर बन रहा है खाना, मतलब वेज में बन रहा है। हम लोग यहाँ किचन अलग होता है, मतलब नॉन वेज के लिए बाहर बनता है। गिर जाता है ये। और इधर नॉन वेज हो रहा है, फिश बन रहा है। इधर नंदन इधर फिश क्लीन कर रही है, वो काटना होता है ना, गांव में काट के नहीं देते हैं सब, ऐसे सीधा सीधा दे देते हैं सब। ये पाज थोड़ा सा कैमरा इधर कर दिए कैमरे में आने के लिए, ये कुर्सी से उतरने लगा तो इसके नीचे मौसी बोली यार ये गिर जाएगा, थोड़ा कुर्सी डगमगा गया। तो चलो आप लोग दिखाते हैं कि उधर खाने में क्या बन रहा है, और इधर तो फिश बन रहा है। आप लोगों को दिखाया मैंने तो इधर अभी सान रही है आटा, ये घूंघट निकाल के काजन काम कैसे होता है। और इधर नेनुआ काट के रखा हुआ है। इधर इधर बन रहा है चावल और इधर सब्जी। ये किस चीज की सब्जी रही अभी? इधर आलू आलू परोल की सब्जी बन रही है। देखो दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे करके। जल मत जा सब्जियां, जल मत जा रही है, बहुत आज तेज है। और पार्थ इधर बैठा हुआ है, लहसुन छिलाया है, हवा से सब उड़ गया है। इधर फिश कटा रहा नंदन, फिश काट रही है, नीसू खड़ी हुई है। फिश काटना बहुत मुश्किल काम होता है, और ऐसा ऐसा फिश हो तो खास करके। ये गांव स्टाइल फिश काटने का है कि राख होता है ना, राख उसको लगा दो तो फिसलती नहीं है फिश, और इजीली कट जाता है। हाय बोलो पा। हाँ फिश है, खांसी हो गया है, सड़क रहा नहीं, सब्जी बन रहा ना उधर, इसीलिए। अरे चाची अरे देखिए चाची भाग रही है, भाग रही गई है, भाग रही है। ना खाई, बच गया। मछली खाई? हाँ खाइए जाए। अरे अभी इधर ये दरवाजे में क्या है ना लग रहा। बाबू काऊ परेशान कर दी है, पथू काऊ परेशान कर दी है, देख रहे हो ना, मामा काजन कहाँ गए हैं, उसी टाइम से भाग रही है। अब क्या होगा, आप बांधोगे काऊ को? आप बांधोगे हैं? जाओ तो ना, क्यों क्यों नहीं बांधोगे? जाओ तो बांध दो, चलो चलो काऊ को बांध दो, चलो तो काऊ को बांध दो। क्यों हाँ क्या पार्ट काट लेगा? अरे काट के सारा फिश कटा गया, अब धुलने के लिए जाएगा चल के पास। अब खाने लगा क्या? इतने डर डर करने थक गया। हाँ तो डर ज्यादा होता है ना, हो
देखो भागना एक अलग चीज होता है, डर डर के भागना अलग चीज होता है। आ जाओ इधर से ना, गाय नहीं मारेगी। आ जाओ, उसको डर लग रहा है कि गाय आ जाएगी। कह रही है मम्मा हाथ पकड़ लो। इधर कोई नहाता होता ना है का? बड़ी उधर कचरा जमा हो गया, पत्ता होता साफ भी लगता है कोई ना करता। यह रहती थी तो करती थी ना, यह इधर ही ना नहाती थी। मेहंदी तो बड़ी अच्छा हुआ है वो। अच्छा इस 7 दिन में हो जाएगा अगर जड़ में रखा जाएगा तो? इसका बीजवा रहता तो हो जाता ना मेहंदी का, और 2-3 दिन बाद गड़ेंगे तो हो जाएगा। मछली धोने वाला बोरा है बाबू, देखो फिश कैसे धोते हैं गांव पे, देख लो। इधर पूरा खेत खेत है, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ का बैट बॉल है वो, एक डंडा ले लेते हैं सब, एक बॉल ले लेते हैं सब, 4-5 6-7 बच्चे खेलते रहते हैं सब। रो रही है, देखे थोड़ा। ना रो ना रही है, आटा भी डाला गया ना। अच्छा है बोरे से धो लो, हमको तो हाथ से करना पड़ता है। बाकी सारा मसाला पिसा हुआ है नहीं, खाली सरसों और लहसुन। धनिया पत्ता है ना, पड़ेगा और तब डालना चाहिए था सरसों का, हो जाएगा तो। हम मतलब हम तो इससे भी कम ही डालते हैं, इतनी सूख डालते हैं नहीं, जितना बैंगलोर में बनाते देखते हो तुम लोग, इतना से डालते हैं। क्या है, चीटी आ रही है, पानी लिए है। Thank you.
क्या डाले? हाँ डालते हैं। सुन लो बाबू खिला दे। ओके क्या हाल है आशीष? गंजी पैंट पे। सो अब इसमें जाएगा मसाला। पहले हमने तेल और पंचफोरन डाल के टमाटर भून लिया, थोड़ा सा नमक डाल के, और ये जाएगा सरसों लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा पानी करके डाल दिया क्योंकि मसाले थोड़े से ड्राई ड्राई थे और कुछ पाउडर था तो ठीक सा ज़्यादा लग रहा था। आपको ज़रूरत हो तो डालें, नहीं ज़रूरत हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे हम ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे अच्छे से ताकि मसाले भून जाए, नहीं तो फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा मसाला नहीं भुनेगा तो। मसाले को भूनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशीष कितना टीवी देखते हो, कितना मोबाइल चलाते हो? आशीष कितना मोबाइल चलाते हो? सुबह ही 5 बजे से उठ के मोबाइल चला रहे। हाँ पैसा गिर गया 5 का सिक्का, चेयर के उस पैर के पास है। अनवी अभी तक मोबाइल देख रही है, सोई है, काहे ले रो रही है? हाँ बाबू इधर खा रहा है। हाँ कान दर्द कर रहा है तो अपनी मम्मी से तुम आके तो नहीं कहेगी कान दर्द कर रहा है उसका? ज़्यादा सुन ले मेरे फोन की आवाज़। हाँ फोन चलाते चलाते कान दर्द करने लग रहा है। तो ये भून चुका है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। नीसु गाढ़ा उतरेगा कि पतला? उतना पर रहेगा, इतना ही रहने दे। और थोड़ा डाल दीजिए जलेगा तो। ठीक ठीक ठीक। लो इतना किससे ढोके ऐसे रहने दो घर में। सो इसमें हमने फिश डाल दिया, ग्रेवी इतना ही उतारना था, थोड़ा सा और गाढ़ा होएगा तो उतार देंगे, तो इसलिए फिश डाल दिया। और इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से एकदम। सो लीजिए तैयार हो गया गर्मा गर्म फिश करी। खाना हम लोग का हो गया, मेरा हो गया। अब हम चल रहे हैं, बहुत इधर गर्मी, अब जाएंगे तो नहाएंगे, नहा के कुर्ती वगैरह सिलना है, सिलेंगे सब। और पार्थ इधर रूम में है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा कैटरन हीट कर रहा है, पार्थ को रूम में भेजे क्योंकि इसे घमौरी हो जाती। तो उधर रूम में है पार्थ, यहाँ पे दिन को भी टॉर्च से खेल रहा है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।